वृंदावन एक ऐसी जगह जिसे हम भगवान श्री कृष्ण की पावन नगरी भी कहते हैं। वृंदावन एक ऐसा तीर्थ स्थल है जो कि सिर्फ भारतीयों के बीच नहीं बल्कि विदेशी पर्यटकों के बीच भी काफी प्रसिद्ध है। ऐसा माना जाता है कि आज भी भगवान श्री कृष्ण वहाँ रहते हैं और इसी वजह से यह जगह श्रद्धालुओं के बीच बहुत ही पूजनीय है। आज के इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे वृंदावन की कुछ ऐसी जगहें जो कि पूरी दुनिया में बहुत प्रसिद्ध है, और अगर आप वृंदावन घूमने जा रहे हैं तो आपको यह जगहें बिल्कुल मिस नहीं करनी चाहिए, और साथ ही हम जानेंगे वहाँ जाने का सही समय। नमस्कार, आप देख रहे हैं फैक्ट्स लेबोरेटरी। फैक्ट्स की दुनिया में आप सबका स्वागत है। वृंदावन में सबसे पहले आप घूमने जा सकते हैं प्रेम मंदिर। प्रेम मंदिर का दूसरा नाम टेंपल ऑफ गॉड्स लव है। मंदिर में राधा कृष्ण के प्रेम के अनगिनत प्रसंगों का चित्र बनाया गया है। प्रेम मंदिर वृंदावन का सबसे खूबसूरत और सबसे रंगीन मंदिर है। यहाँ का रात का दृश्य श्रद्धालुओं के बीच काफी ज्यादा लोकप्रिय है, जहाँ दीवारों पे श्री कृष्ण जी के जीवन काल की उन बाल कथाओं को प्रस्तुत किया हुआ है जहाँ उन्होंने कई राक्षसों का नाश किया था। प्रेम मंदिर में कई खास झांकियाँ भी बनी हुई है, जैसे जब श्री कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर पूरा गोवर्धन पर्वत उठाया था और जब श्री कृष्ण जी सारी गोपियों के साथ रास लीलाएं करते थे। इस मंदिर में आने की कोई फीस नहीं है। प्रेम मंदिर सुबह 8:30 बजे से 12 बजे तक खुलेगा और शाम को 6 बजे से रात 9 बजे तक। दोस्तों, अब इसके बाद आता है इस्कॉन टेंपल। इस्कॉन टेंपल पूरे वृंदावन का एक ऐसा मंदिर है जो कि भारतवर्ष में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मशहूर है। यह मंदिर श्री कृष्ण बलराम मंदिर के नाम से भी मशहूर है। हरे कृष्णा जपते हुए आपको इस मंदिर के अंदर विदेशी श्रद्धालु भी मिलेंगे। यहाँ की टाइमिंग सुबह 4:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक और शाम को 4:30 बजे से रात को 8 बजे तक है। इस्कॉन टेंपल के बाद चलेंगे राधा वल्लभ टेंपल। इस मंदिर में रखी मूर्ति में आपको आधे ठाकुर जी और आधे राधा जी के रूप के दर्शन होंगे, और भगवान का यही रूप दर्शाता है कि राधा जी और कृष्ण जी एक ही हैं। यहाँ की टाइमिंग सुबह 5 बजे से दोपहर 12 बजे तक और शाम 5:30 बजे से रात 9 बजे तक, और इस मंदिर में दर्शन करना कार्तिक मास में बहुत पूजनीय माना जाता है। दोस्तों, बात करते हैं वृंदावन के सबसे प्रसिद्ध मंदिर की, श्री बांके बिहारी मंदिर की। बांके बिहारी मंदिर में आपको श्री कृष्ण के बाल रूप में दर्शन होंगे, और बांके बिहारी मंदिर में श्री कृष्ण जी की देखरेख भी एक बच्चे की तरह ही की जाती है, इसलिए यह मंदिर गर्मियों में प्रातः काल सुबह 8:30 बजे और सर्दियों में खुलता है 9 बजे। जैसे एक बच्चा सुबह देर तक सोता है, वैसे ही ठाकुर जी भी सुबह देर तक सोते हैं। बांके बिहारी मंदिर में बाल रूप की सेवा की जाती है, इसलिए आपको पूरे मंदिर में कोई घंटी या शोर वाली चीजें नहीं मिलेगी, क्योंकि कोई भी बच्चा तेज आवाज से डर सकता है, इसलिए हमारे श्री कृष्ण जी के बाल रूप की आरती के समय भी घंटियां नहीं बजती। यहाँ की टाइमिंग सुबह 8:30 बजे से 12 बजे तक और शाम को 5:30 बजे से 9:30 बजे तक है। दोस्तों, अब आपको बताएंगे निधि वन के बारे में। यह मंदिर वृंदावन के सबसे रहस्यमय मंदिरों में से एक है और ये अपने रहस्य की वजह से पूरी दुनिया भर में प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि आज भी भगवान श्री कृष्ण और राधा जी हर रोज रासलीला करने निधि वन आते हैं। इस वन में सबसे खास बात यह है कि यह पूरा वन तुलसी के पेड़ से घिरा हुआ है। ऐसा कहा जाता है कि ये सारे पेड़ कृष्ण जी की गोपियां हैं, जो कि दिन में तुलसी का पेड़ बन जाती है और रात को गोपियां बन जाती हैं, ताकि श्री कृष्ण यहाँ पे हर रोज आकर उनके साथ रासलीला कर सके। ऐसा माना जाता है कि जो भी इंसान श्री कृष्ण जी की यहाँ पे रासलीला को देखता है वह पत्थर बन जाता है या फिर उसकी मृत्यु हो जाती है। यहाँ की टाइमिंग सुबह 6 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक है। निधिवन से कुछ ही दूरी पर पड़ता है केसी घाट। जी हाँ दोस्तों,
वृंदावन में आने वाले सभी पर्यटकों के बीच में केसी घाट भी बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। केसी घाट में डुबकी लगाने के लिए हर साल लाखों की तादाद में श्रद्धालु यहां आते हैं और फिर शाम के समय यहां की यमुना आरती में सम्मिलित होते हैं। केसी घाट पर आरती का समय है शाम 6 बजे और आप यहां बोटिंग का आनंद भी ले सकते हैं, जिसके लिए आपको खर्च करने पड़ेंगे 100 से 150 रुपए। इसके बाद हम चलेंगे मदन मोहन मंदिर। मदन मोहन मंदिर उत्तर प्रदेश के वृंदावन में आदित्य टीले पे स्थित है। मंदिर के अंदर आपको श्री कृष्ण जी, राधा जी और सखी ललिता के दर्शन होंगे और वृंदावन में आने वाले सभी भक्तों के लिए यह मंदिर बहुत ज्यादा पूजनीय है। यहाँ की टाइमिंग सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक और शाम 4 बजे से लेकर रात 8 बजे तक है। दोस्तों, बात करते हैं राधा रमन टेम्पल की। यह मंदिर प्रिय राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण के लिए समर्पित है। यहाँ पर आपको श्री कृष्ण जी के शालिग्राम सर्वरूप के दर्शन होंगे और यहाँ की टाइमिंग है सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर 12:30 बजे तक और शाम को 6 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक। दोस्तों, बात करते हैं वैष्णो देवी टेम्पल की। इस मंदिर का सबसे बड़ा आकर्षण है माता रानी की 143 फुट ऊंची मूर्ति, जिसमें हनुमान जी भी माता जी के चरणों में बैठे हुए हैं। मां शेरावाली मंदिर के अंदर एक गुफा भी है, जहां एक आर्ट गैलरी है और एक म्यूजिकल फाउंटेन भी है, जिसे देखने देश विदेश के पर्यटक यहां आते हैं। इस गुफा में आपको माता के 9 स्वरूप देखने को मिलेंगे। हर साल लाखों की तादाद में पर्यटक इस मंदिर को देखने आते हैं। यह मंदिर सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक और शाम 4 बजे से रात 8 बजे तक खुला होता है। सो दोस्तों, ये थे वृंदावन के कुछ प्रसिद्ध मंदिर और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को करें लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल फैक्ट्स लैबोरेटरी को करें सब्सक्राइब। अब तक के लिए सिर्फ इतना ही। फैक्ट्स की दुनिया में डूब जाने के लिए आप सबका धन्यवाद।